ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है, 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 ये मेरी बेटी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जाना है एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी को पिक करने। आए, मैं आपको भी मिलवाता हूँ। हाँ जी भाई, की हाल चाल है? ठीक ठाक मुक जाएगा काम मच के? नहीं, चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक तबीयत से? ठीक है, तुसी बड़ा हंसते हो। हाँ अच्छा जी, ये रही गजल वगैरह की गाड़ी। रात को हमने ये अंदर कर दी थी, लेकिन जब सुबह लेबर आई तो फिर बाहर निकालनी पड़ी। बाहर निकाल के हमने इसको रैप कर दिया। अभी चलते हैं, सेलिब्रिटी हमारा वेट कर रहा होगा काफ़ी देर से। भाई सेलिब्रिटी साहब को इज्जत देनी पड़ेगी। सर मैं आ रहा हूँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ सर आगे। सेलिब्रिटी साहब किधर फिर रहे हैं आप? आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बैठो। मैम मैम, बिग फैन मैम, मैम बिग फैन मैम, किधर फिर रही हैं आप इतनी गर्मी में? मैं अपनी बेबी की नाक के तबूत की मजलिस पे गई थी। हाँ जी, ऐसे ही नहीं लोग आते, जा जा के पैगाम देने पड़ते हैं। मजलिसों पे जाके बताना पड़ता है कि हमारे घर मजलिस ऐसे ही है। बता दिया मजलिस का क्या टाइम दिया? बताने का सबको पता है, मैंने सिर्फ टाइमिंग उनको बताया। हाँ, वैसे हमारे घर की मजलिस बहुत पुरानी है, 20-21 साल से 14 मुहर्रम, 14 सफर और 17 रबीउल अव्वल की मजलिस हमारे घर पे हो रही है। तो क्या टाइम दिया आपने मजलिस का? 1 बजे, 12:30। मैंने कहा निकलो घर से 1 बजे पहुंच जाओ। चलो अल्लाह ख्याल करेगा। और हमने जो लंगर बनाना है वो भी डिसाइड हो चुका है, आपको घर जाकर बताता हूँ। महबूब भाई ने सारी जो रेसिपी की चीजें हैं वो सेंड कर दी हैं, वो लेके आनी है। ठीक है, चलो के साथ में खेला जाऊँ? नहीं नहीं, मैं चलूंगी, क्यों खेलने जाऊंगी? चलो ठीक है, ओके, बेबी की ड्यूटी तो मैंने देनी है। इतना बड़ा एक सेलिब्रिटी आ गया है हमारे घर पे, उतर गया आके, लेकिन एक बंदा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उतर के देखा तक नहीं, ना कोई सलाम ना कोई दुआ। पूछते हैं कि इतना सख्त लोंडा कैसे बनता है इंसान? पड़ता ही। हाँ जी हाँ जी, इतना बड़ा सेलिब्रिटी आपके सामने से उतर के गया, आपने उसको कुछ सलाम तो ही नहीं लिया? अभी जो उतर के गया उन्होंने खुद सलाम लिया मेरे से। शेम मोमेंट फॉर मी। ठीक है जी, हो सुनो तबीयत ठीक है? ओए ना कर पागल। चलो जी चलिए। मामा जी, मामा जी, मामा बाबा 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 जी, क्या हो गया? अच्छा वो लंगर फाइनल हो गया, आपको नहीं पता अभी तक? अच्छा पहले मेरी बात सुन। थैंक यू सो मच, खीर मेरी फेवरेट और वो भी लंगर की। अभी खाता हूँ मैं आपको, मैं लंगर बता दूँ। लंगर हमारा फाइनल हुआ है जीए वाले चावल और चिकन हलीम। इसके अलावा कुछ और चाहिए? हाँ, वो जो बीबी पाक की बिस्किना शहजादी की मखसूस न्याला खीर की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बीबी के नाम की खीर भी बनती है जो बटती है, वो भी होगी डन। और बस बालियाँ आ गई हैं। हाँ जी, बालियाँ भी कल आ गई, आपने देखी पसंद आ गई आपको? ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बता दें कि कितनी लेडीज हो जाएंगी? महबूब भाई ने कहा है कि मुझे औरतों की क्वांटिटी बता दें जिसका खाना बनाना है, ताकि वो उस हिसाब से मैं बताएं कितनी कितनी चीजें लेके आनी है, फिर हम निकलते हैं जाके सामान लेके आते हैं। मेरे तो ख्याल से यही 50 तक होंगी। 50 तक आ गई यार। मम्मा ये देखो, आपको सलूट है, आपकी गिनती को सलूट है यार। मैं कहती हूँ मेरी बीबी का करोड़ शुक्र है कि जितने भी आ जाए कभी न्याज कम नहीं हुई है यार। कम होना या ना होना ये बात नहीं है। लास्ट टाइम 14 मुहर्रम पे इन्होंने कहा जी मेरा तो ख्याल है कि 60-70 औरतें हो जाएंगी। मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए 80-90 बंदों का इंतजाम कर लिया, क्योंकि मेरा ये जो है ना थोड़ी सी माइंड साइकी इस तरह की है कि खाना जो है वो बढ़ जाए, खैर है कम ना हो, ऑन द स्पॉट कम नहीं होना चाहिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मुश्किल से 14 मुहर्रम वाली मजलिस पे पूरा आया था खाना। नहीं मम्मा जी गलत बात करो, दो निशे बची थे ना एंड पे, हमारी फ्रिज में चावल पड़े थे। मेरे दो निशे, कोई मेहमान आ जाता, चार बंदे अगर बढ़ जाते तो फिर क्या करते? खैर अभी आप 50 कह रहे हो ना, मैं फिर भी 70-80 औरतों का इंतजाम कर लेता हूँ, ताकि बढ़ जाए, खैर है बंदा बांट देगा कम ना हो। ठीक है, डन है। अभी हमारा ये फाइनल है, जीरे वाले चावल, चिकन हलीम, खीर और बालियां जो तकसीम होनी है। मैं बस नमाज पढ़ लूँ, नमाज पढ़ के तो फिर हम निकलते हैं, सारा सामान लेके आते हैं। महबूब भाई को कॉल करके बता देंगे कि इतनी क्वांटिटी है औरतों की, फिर वो बता देंगे कितने चावल, कितना चिकन और सारा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी, मैंने 2 दिन से गजल से बात नहीं की, फोन उसका। गजल को छोड़ोगे, देख रहे हो
की हालत देख रहे हो जान भाई, ग्राइंडर चल रहा है, कभी तूने काम देखा अपने घर में? ओह यस यस, ग्राइंडर चल रहा है ना, टाइलों वालों का। गदर का पूछ रहे हो? हाँ जी गदर से मेरी अभी बात हुई है, सिर्फ दो मैसेजेस की बात हुई है, वो भी उसने कहा हाँ जी मैं खैरियत से हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। वो लोग अभी हैं मशहद में, आज दोपहर को, अभी तो 4:30 हो गए ना, 1:30-2 बजे वो निकल गए थे और अब वो जाएंगे कुंभ। कुंभ का पता ना आपको, आप गए हो ना कुंभ? हाँ, अब वो कुंभ जाएंगे। मशहद से कुंभ की जो ड्राइव है वो 1.5-2 घंटे की है, 3 दिन उनका स्टे कुंभ में है, उसके बाद वो आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे मुझे पता नहीं है, वो बताएगी। इंटरनेट का उनका प्रॉब्लम है, उसका व्लॉग भी अपलोड नहीं हो पा रहा आज, शायद कोई वो बंदोबस्त करके इंटरनेट का, तो व्लॉग भी अपलोड कर देगी, तो मैं उसे कह दूंगा, वो आपको कॉल कर लेगी जैसे ही इंटरनेट आता ना। बस उसको बोलो बस आवाज़ सुना दे अपनी, ज्यादा ना बात। मैं उसे कह देता हूँ, वो आपको आवाज़ सुना देगी। बाकी उसने व्लॉग अपलोड किया वो देख लिया ना अपने? हाँ, नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ के फिर निकलते हैं, ठीक है? पहले ये दो ना, आपने बीच में से टुक लगा लिया, मैं खा लूं। देखो भाई देखो, आज घर से बाहर कौन आया है? ओए 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 ओए, इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ, दो दो सदके सदके, कम ऑन। ओए 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 ओए, यस 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 यस। मैंने कहा यार घर रह रहा के बोर हो गया होगा बेचारा, वैसे भी उसकी जो जगह है जहाँ वो रहता है वहाँ पे लेबर ने कब्जा किया हुआ है, वो पीछे पैशियो में रह रहा है आजकल, तो थोड़ी देर बाहर पार्क में लेके आ गए, घूम फिर लेगा, जरा उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा जी, अब कर लेते हैं एक ज़रूरी बात। आज की डेट में हम टच कर रहे हैं 75K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और की शोर पाया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, जैसे जैसे 100K करीब आ रहा है, मेरा दिल धक 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 कर रहा है, जबकि मैंने किसी अननोन बंदे को नहीं मिलना, आप सबसे ही मीटअप है और आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब हम मीटअप करते हैं, किसी से मीट एंड ग्रीट करते हैं, तो इसके लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ती है या हम कहीं पर भी जाके ऐसे मीटअप कर सकते हैं। आप सब ने पैकेजेस मॉल को बहुत वोट किया था, मुझे पैकेजेस मॉल में कोई इशू भी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गाइड ये करते हैं कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स पे आके, कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी आपको सूटेबल लगे, कि हम इसको इजीली ऐसे ही जाके बस मिल सकते हैं हम सब, या इसके लिए कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है? क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके, कोई ऐसा मेरा मतलब दोस्त वगैरह है भी नहीं जिससे मैं पूछ लूँ कि यार ये मीटअप वगैरह का क्या सीन होता है। अगर आपको आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लाजमी बताइएगा। बैग दो, मेरा बैग है, मेरा बैग है, मेरा बैग है, मेरा बैग है। पपी दे दो, पपी दे दो, पपी दे दो, पपी, वन पपी, वन पपी, वन वन। दोजो को काट दिया, दोजो आ गया, तुम्हें पकड़ लेगा, आ गया आ गया आ गया आ गया। अच्छा पपी दो, पपी दो, पपी दो, पकड़ लो दोजो, पकड़ लो। ओके जी, महबूब भाई ने हमें ये सारा पर्चा बना के व्हाट्सएप कर दिया, ये सारा सामान हमने लेके आना है कल की मजलिस के लिए। मुझे सुनाना क्या लिखा हुआ? ओ यार मां, बड़ा मुश्किल उर्दू लिखी हुई है, लेकिन आपके कहने पे मैं कोशिश कर लेता हूँ। ये लिखा है जी, दाल चने, दाल मूंगी, दाल मसूर, दाल माश, जौ साबत, दलिया चावल, शान चाट मसाला, जलफल, जयफल, क्या जयफल, वो क्या मसाला? अच्छा जी, ये जयफल, फिर उसके बाद जलूरी, जयफल जलवर्ती, दोनों होते थे। अच्छा, तो ये इसने अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं? फिर उसके बाद लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्च, जीरा, साबत, दलिया, साबत दलिया, दलिया दलिया ही में पड़ता है, साबत दलिया। उसके बाद है जी तेल, चिकन, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च, पुदीना, लहसुन, लहसुन नहीं नहीं सॉरी लहसुन सॉरी लहसुन। अच्छा, ये सारा सामान लेके आना है, और इसके जो ये चावल पे लिखे हुए ना, 1 किलो ये हलीम में डल, ठीक है, उसके अलावा 10 किलो चावल लेके आने हैं, हो जाएंगे पूरे चावलों का गार्ड बन होंगे? हाँ जी हाँ जी, वो मैं ले आऊंगा, पूरे हो जाएंगे ना? हाँ, बस ये सारा सामान लेना है। खीर का तो मेरा ख्याल है कि 25 किलो या 30 किलो दूध, वो तो सुबह ही आ जाएगा, फर्स्ट टाइम वो आप घर बना लोगे खुद ही, क्योंकि मैं ऊपर नहीं बनानी है। नहीं नहीं, वो भी बना लेगा मैं भाई, आपने क्या करना है? वो खास न्याज मेरी बीबी शहजादी, मुर्शदादी को खुद बनाऊंगी। ये सारा सामान है जी, बालियां आ चुकी हुई हैं, अब चलते हैं ये सामान ले हैं फिर चल के। हाँ जी, चलो बिस्मिल्लाह। चलो जी, चलो मम्मा जी आ जाओ यार, लेट हो गए, जल्दी करो, इसने नहीं जाना, इसको नहीं लेके जाना, चल। ओए ओए, चलो ओए, मम्मा देख लो इसको, समझा लो, मोबाइल पे थप्पड़ मारा इसने, बदमाशी है ना, मेरे ना कराया का समय लगी हूँ। यार मम्मा, इसका तो कोई हिसाब किताब लगाओ यार। क्यों? हर व्लॉग के अंदर 40-50 कमेंट इसके होते हैं, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है। तो आप बताओ। मैंने बताया है, लाइव स्ट्रीम में बताया है, व्लॉग में बताया है, लेकिन नए नए लोग ऐड होते हैं ना, तो वो पुराने व्लॉग नहीं देखते, लाइव स्ट्रीम उन्होंने मिस किया होता है, तो उनको नहीं पता। हम ऐसे करते हैं, हम लोग बीबी की नियाज लेके घर जाते हैं,
जाके प्रॉपर तरीके से बिठा के इसको इसकी मम्मा को इसके बहन भाइयों को सबको दिखाते हैं कि लड्डू कहाँ से आया है। चलो ठीक है, बीबी की न्याज का सामान ले लें, फिर घर जाके मैं इसको इसकी अम्मा को इसके बहन भाइयों को सबको बिठा के आज बता दूंगा। फिर मुझे उम्मीद है कि सबको पता लग जाएगा कि ये बच्ची कौन है और हमारे घर पे क्या कर रही होती है। ओके चलो जी चलिए आजो भैया जो। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं चावलों से। 10 किलो चावल चाहिए हमें सिंगल। मम्मा जी साइड पे हटना, साइड पे हटना, रखो बच्चे। 2 किलो की पैकिंग है ना, 2 किलो की पैकिंग है। 10 किलो चावल चाहिए हमें, जो चावल और हलीम। उसके अलावा आपको कितना चाहिए चावल खीर के लिए? 1.5 किलो चावल चाहिए हमें खीर के लिए और 1 किलो चावल चाहिए हमें हलीम के लिए। ये 10 किलो आ गए, अब 1.5 किलो अलग और किलो अलग, ठीक है। अच्छा भाई दाल चना, दाल मूंगी, दाल मसूर, दाल माश किलो किलो, ठीक है। 2 आ गई, ये आ गई, 3 हो गई। ये मसूर है, 1.5 किलो वाली पैकिंग है। किलो वाली, 1.5 किलो वाली 2 रख लो। नहीं ये ऊपर किलो वाली, 1.5 किलो है। हाँ 2 रख लो चलो, ठीक है। चारों दालें आ गई। अच्छा भाई साबुत जौ है और दलिया। ये साबुत जौ हाफी की पैकिंग है कि 2 कर दें? हाँ 2 कर दो, किलो हो गया। और दलिया कौन सा चाहिए? दलिया कौन सा लेना? कनक का बेटे, कनक का दलिया। ये किलो हाफी की पैकिंग, ये भी 2 कर दें? 2 हो गया, किलो कर, ठीक है। इसके बाद आगे शान का चाट मसाला है, 8 डब्बे बड़े वाले, बड़े 8 डब्बे, ठीक है। 2, 4, 6, 7 एक और, बिस्मिल्लाह 8। चलो 2 पैकेट नमक के रख दो, आयोडाइज। हाँ 2 रख दो, चलो। अच्छा जी अब है सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़, जलफल जलवत्री। क्या जायफल जलवत्री? हाँ जायफल जलवत्री, आप समझ गए हो ना, जायफल जलवत्री 100-100 ग्राम कर दो। ये है क्या जायफल जलवत्री, दिखाओ ज़रा, बड़ी औखी है कि ये मम्मा मसाले में डलती है। चलो जी ये जलवत्री 100-100 ग्राम आ गई। इसके बाद है लाल मिर्च 200 ग्राम, नमक हमने ले लिया, गरम मसाला 200 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम और काली मिर्च 100 ग्राम। लाल मिर्च 200 ग्राम, लाल मिर्च 200 ग्राम, 200 ग्राम आ गई। इसके बाद हाँ 2 पैकेट कर लो, 200 ग्राम हो जाएगी ना, ये 2 पीस कर लो, 100 ग्राम की पैकेट। हाँ 2 पैकेट कर लो, चलो 100 ग्राम हल्दी आ गई, जीरा हो गया, जीरा आ गया और गर्म मसाला आ गया। ये साबुत धनिया 200 ग्राम। बस जी अब रह गया 5 लीटर तेल और चिकन, फिर उसके बाद सब्जियाँ, सब्जियाँ हैं ना अपने पास। चलो 5 लीटर तेल कर दो पहले, ऑयल। हाँ बस डालडा ही ले लो, 5 पैकेट ले लो, 5 ही होते हैं ना इसमें, 5 ले लो। चलो जी सब्जियों में भाई प्याज 7 किलो, फिर है टमाटर 3 किलो, अदरक 1.5 किलो, लहसुन 1.5 किलो, सब्ज़ मिर्च नहीं मिर्च 1.5 किलो, पुदीना 8 गड्डी और लमसन 2 किलो। प्याज 7 किलो करो ना पहले। चलो जी प्याज आ गया, टमाटर 3 किलो जी, मेरा ख्याल है 1.5 किलो हो गया होगा लहसुन मम्मा। हाँ चलो बस ठीक है, अभी घर वाला सामान बाद में लेना। 1.5 किलो अदरक है, 1.5 किलो। हाँ बेटा मम्मा नीचे से सामान निकलवा लेंगी। ये अच्छा वाला अदरक है ना, ये तुम लोगों ने नीचे रखा हुआ था, करप्शन करप्शन हर तरफ। पुदीने की हैं 8 गड्डियाँ, 8 की भी 10 निकाल ले, ठीक है। उठ के काम कर लो, काम कर लो, उठ के लाओ भाई। ये आ गया पुदीना और ये आ गया अदरक। यार 1.5 किलो हरी मिर्च है और 2 किलो लेमन, बस डेट्स इट। चलो जी कंप्लीट हो गया, चलें बिल करवाने। चल बिल ले चल। चलो जी आ जाओ भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं पकड़ता हूँ आप रखो, थैंक यू। हाँ ठीक है थैंक यू। वो इतना तरतीब से ना रख, फेंकी जा खैर है, मैं खुद ऐसे फेंकता हूँ। चलो हाँ भैया यार क्या प्यारे तरीके से सामान रखा, मुझे शर्म आ गई है, मैं कैसे रखता हूँ। ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज। वो स्टोर वाले कह रहे हैं कि ये बेबी हमें दे दो, हम आपसे बिल नहीं लेंगे। फिर उतरो चलो जाओ, चलो बताओ ये बेबी किसका है, किसका है? भाईती। आए भाईती, भाईती मिंचा जा रहा। भाई मजा आया शॉपिंग का ना, हर चीज ही एक ही स्टोर के नीचे से मिल गई,
मुझे बड़ी ना इरिटेशन होती है, बड़ी चिड़चिड़ती है जब आप इतने इतने बड़े स्टोर्स पे जाओ, वहाँ जाके चार चीजें मिलती हैं, दो चीजें नहीं मिलती, फिर आपको बाहर से लेनी पड़ती है। मुझे भी ये था कि जो नहीं मिलेंगे, नहीं हर चीज ही मिल गई, इजीली मिल गई, हर चीज मिल गई। अब सिर्फ चिकन रह गया, चिकन हमने बाहर से लेना है। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया हुआ कि फ्रोजन चिकन जो है ना वो टेस्ट नहीं करवाता, उसका टेस्ट ही मर जाता है। चिकन बाहर से लेते हैं, फिर घर चलते हैं, फिर आपको जाके बताते हैं कि ये बच्ची कौन है, गजाइयत खत्म हो जाती है चिकन में। वैसे क्या ही गजाइयत होगी, लेकिन फिर भी ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है, आपको घर जाके बताते हैं। बच्ची कौन है, बच्ची कौन है। चलो जी, ये आ गया हमारा 3 किलो चिकन और हमारी देह का सामान, मतलब जो महबूबा ने बनानी है चावल हलीम का सामान पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यार इसको फिर ले आए हो, इसको छोड़ो इधर ही छोड़ो, इसको इधर ही छोड़ो। कहती आपने इसको जिप कर दिया। क्या करते हैं? आपने इसको जिप कर दिया। मैंने कहा जिबा का वो सुन लिया, आपने इसको जिप कर दिया, अब शॉपर में डाल दो। जिप कर दिया उसने, जिप कर दिया है, जिप कर दिया। चलो जी, वैसे डिग्गी में से सामान निकालना, लेकिन ना वो ऐसे जाएगा नहीं, ये आगे ना पतीला पड़ा, पहले पतीला निकालो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये पतीला निकालो भाई, भाई ये पतीला पहले निकालो, थोड़ी सी आगे करें ना, मैं करता हूँ पहले पतीला निकालो, पतीले में सामान डाल डाल के ना अंदर लेके जाते हैं, ऐसे नहीं जाया जाना ये। मेरी बेल तो चलो ना रखो। अच्छा मम्मा बेल आपकी, हम कुछ नहीं लगते, आपके बेल ही बेल है, बस रखो यहाँ पे, रख नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। बिस्मिल्लाह, आराम से, रेस नहीं लगी पुत्र, दोनों ने अंदर ही जाना है। बिस्मिल्लाह, दालें शालें चावल वगैरह पहले सारे कर ले, फिर ऑयल की तरफ जाएंगे। शाबाश शाबाश, हाय 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 हाय, पतीला काम कर गया ना, ऐसे तू एक चीज लेके जाता ना तो कल तेरी मजलिस यहीं पे गुजर जानी थी सारी। चल चल, ये भी पकड़ ले, गुजर गुजर गुजर, मैं पकड़ता हूँ ना तेरे साथ, क्या हो गया, चल पकड़ आ जा। दरवाजा खोलो, दरवाजा जल्दी करो। ओके सॉरी, चल ये लो। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हलीम का सारा सामान आ गया, चावलों का सारा सामान आ गया, चिकन आ गया, सब्जी आ गई, ईच एंड एवरीथिंग आ गई। अब सिर्फ आना है दूध खीर के लिए, वो सुबह आएगा फ्रेश फ्रेश। कल की डेट में इंशाल्लाह लेबर भी चली जाएगी घर से, काम शाम सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको एक बार अगेन होम टूर करवाऊंगा सारा। मैंने आज से कोई 25-30-40 व्लॉग पहले भी होम टूर करवाया था, लेकिन आपको दोबारा होम टूर करवाएंगे, क्योंकि घर अपना ना नया नया ऐसा हो गया, अंदर से बाहर से सारा घर का टूर भी करवाएंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सैटरडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, और मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रह सकता कि मैं और मेरी फैमिली किस तरह पागलों की तरह इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हैं। जो लोग मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे, उनको तो पता होगा, उन्होंने मेरी मैच वाली वीडियो वगैरह देखी होंगी। तो इंशाल्लाह मैच का भी व्लॉग बनाएंगे और उसके बाद होम टूर भी दोबारा करेंगे। ओके जी, तो अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, फाइनल आज के व्लॉग को एंड करने की तरफ। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इन द कमेंट्स है, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैंने वैसे ही लाइव स्ट्रीम में व्लॉग्स के अंदर पहले बताया है, लेकिन तब सब्सक्राइबर कम थे, फैमिली मेंबर्स कम थे, आज वो ज्यादा बढ़ गए हैं, वो ज्यादा हो गए हैं, न्यू लोग ऐड हुए हैं हमारे व्लॉग्स के अंदर, तो उनको आइडिया नहीं है, उन्हें हम बताते हैं कि ये बच्ची कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी मम्मा लोग 7 बहन भाई हैं, ठीक है, और मेरी मम्मा सबसे बड़ी हैं और ये औरत सबसे छोटी है। मेरी खाला सबसे छोटी खाला है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1 और 2 ट्विंस हैं, तीसरी, फिर ये चौथी, ये पांचवा, और ये एंड पे 6वीं, ठीक है। ये खाला की क्रिकेट टीम है, जो मैंने स्टार्ट वाले व्लॉग में बताया, अभी 6 ही हैं, 6 रहते हैं, खाला 6 रहते हैं, हैं? नहीं रहते। तो ये इस खाला की बेटी है, ये बेसिकली हुई ही मेरे हाथों में है, मतलब इसके बाबा कुछ मसरूफ थे, आउट ऑफ सिटी थे, ठीक है, आते थे लेकिन काम आते थे ना, ठीक है। तो ये इसको ले लेके हॉस्पिटल में, फिर कोरोना का टाइम भी चल रहा था, याद है मुझे, ठीक है। तो मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इस बच्ची के साथ, कुछ वैसे भी गजल की शादी के बाद हमारे घर की रौनक सिर्फ यही रह गई थी, तो ये अपने घर कम मेरे घर ज्यादा होती है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन है कि ये हमारे घर में ये बच्ची हर वक्त क्या करती है, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है। ये बच्ची इस औरत की बेटी है और रहती मेरे पास ही है, हाँ रहती हमारे पास ही है, हमारे घर से 8-10 घर छोड़ के इनका घर है। मेरा ख्याल है कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है। जरा नहीं मिलती, जरा नहीं मिलती, मेरे से मिलती है, ये मेरी बेटी है। अभी करते हैं व्लॉग को यहाँ पर एंड, हमारी लेबर का काम भी ऑलमोस्ट डन है, मजलिस का काम भी ऑलमोस्ट डन है, बस अब सुबह महबूब भाई आएंगे, खाना बनाएंगे, अम्मा खीर बनाएंगी और काम सारा डन अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, मैं सुबह इंशाल्लाह ऑल डन, ठीक है।
व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी कोशिश है कि गजल लोगों के आने से पहले पहले हमारे 100K अगर हो जाएं तो फिर हम मीटअप का प्लान करें, उसको भी पूछ लेंगे। अगर उसने साथ आना हुआ तो 24 मिला, ना आना हुआ तो फिर 20-24 मिला। इनको पता ना मैं क्या मांग रही हूँ, सिल्वर। ओहो सिल्वर बटन, हाँ जी सिल्वर बटन मांग रहे हो, हमारे 100K पे आ जाएगा। अपना ख्याल रखें, होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।